पूर्व मंत्री कांग्रेस विधायक अजय सिंह ने भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए कहा, शिवराज सरकार द्वारा चलाई गई योजनाएं नए मुख्यमंत्री मोहन यादव के लिए अब गले की हड्डी बन गई हैं। बिना लोन लिए इन योजनाओं को चलाया भी नहीं जा सकता और चाहकर भी मोहन यादव इन्हें लोकसभा चुनाव तक बंद नहीं कर सकते। कांग्रेस विधायक अजय सिंह ने बड़े पते की बात कहते हुए भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, शिवराज सिंह द्वारा चलाई गई योजनाएं नए मुख्यमंत्री मोहन यादव के गले की हड्डी बन गई हैं। अब बिना कर्ज लिए ये योजनाएं चल नहीं सकती, वहीं दूसरी ओर ये योजनाएं बंद भी नहीं की जा सकती क्योंकि लोकसभा का चुनाव सामने है और भाजपा किसी तरह का रिस्क लेने के मूड में नजर नहीं आती है। अजय सिंह राहुल ने कहा कि मोहन यादव सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी असमंजस है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बैठक चल रही है, कुछ सीनियर नेता भी चुनाव जीत गए हैं, उनको किस भूमिका में भाजपा रखे इस बात को लेकर भी मंत्रिमंडल बनने में देरी हुई। दिल्ली में जो मंत्रिमंडल विस्तार के लिए जो चर्चाएं चल रही हैं, मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा लोग, बहुत सीनियर लोग भी चुनाव जीत गए हैं, उनको किस भूमिका में भाजपा रखती है इस पर देरी हो रही है। पर जो जानकारी मिल रही है, आज कल में मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा। जहां तक योजनाओं का सवाल है, बीजेपी बिना और लोन लिए उन योजनाओं को चालू नहीं रख सकती, लेकिन धर्म संकट है, लोकसभा का चुनाव भी नजदीक है, योजनाएं बंद भी नहीं हो सकती हैं, तो देखिए क्या करते हैं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।